हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास कुमार ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्रीवर्स एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो रिमेनिंग बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है इंटरव्यू की, IBPS SO की, वो अच्छी चल रही होगी। और कहीं ना कहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये वीडियो की एक सीरीज़ बनाई है, उसी का ये एक पार्ट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप ऑफ लोन अकाउंट क्या होते हैं, NPA क्या होता है, और इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि आपके टाइप ऑफ लोन अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लोन अकाउंट। अगर आप बैंकिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग से रिलेटेड जो उसके लोन अकाउंट हैं या जो उसके डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, तो इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे लोन अकाउंट के बारे में, जैसे कि आपका टर्म लोन, एक है आपका टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट लोन एंड ओवरड्राफ्ट तो ये कुछ टाइप्स हैं। तो टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन जो नॉर्मली आप लोन लेते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन, या रिटेल बोल लें, रिटेल लोन जितना भी होता है आपका, एजुकेशन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, तो इन सब चीज़ों के लिए जो आप लोन लेते हैं उसको टर्म लोन बोला जाता है। टर्म लोन बेसिकली इज प्रोवाइडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक फिक्स्ड EMI आपको पे करनी पड़ती है मंथली। अगर उसमें से मान लीजिए आपका EMI है 4,000 रुपीज़, अगर आप 4,000 जमा नहीं कर रहे हैं, 3,500 जमा कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपका जो अकाउंट है 3 महीने बाद आपका NPA में जा सकता है। तो टर्म लोन का फिक्स एक EMI है, आपको वो पे करना है। तो टर्म लोन का मतलब ये है, एक फिक्स टाइम के लिए, मान लीजिए आपका रिपेमेंट टाइम है 5 साल, तो 5 साल तक आपको मंथली 4,000 रुपये जमा करने हैं, तो ये आपका टर्म लोन है। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए लोन। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी शॉप है, कोई किराने की दुकान है, तो उसके पास स्टॉक जो है उसको खरीदने के लिए, या जो अपनी दुकान है उसको रनिंग करने के लिए एक कैश क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए उसको वर्किंग कैपिटल की, तो उसको ये CC लोन दिया जाता है। CC लोन में क्या है, इसमें आपका EMIs नहीं होती, जस्ट लाइक इन केस ऑफ टर्म लोन देयर इज नो EMI। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको मंथली ट्रांजेक्शन करना है। अगर आप 90 दिन तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते अकाउंट में, कोई क्रेडिट नहीं करते, तो उससे आपका अकाउंट NPA में जा सकता है। दूसरी बात, जो कैश क्रेडिट अकाउंट है इसमें जितना इंटरेस्ट लग रहा है वही आपको पे करना है, ठीक है? तो ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली टर्म लोन और कैश क्रेडिट के बारे में। अब एक चीज़ यहाँ पे आती है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको पता होगा, ओवरड्राफ्ट किसको दिया जाता है, जो बिजनेसमैन है, जिनका करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट जिसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, तो उनको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। इसका जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से कैश क्रेडिट की तरह है। ओवरड्राफ्ट में आपको मंथली EMI नहीं देनी है, इसमें भी आपको मंथली ट्रांजेक्शन करना है, क्रेडिट करना है, जितना इंटरेस्ट लग रहा है वही आपको पे करना है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये लोन का एक टाइप है। अगर आपको थोड़ा डाउट है, मैं अभी आपको ये डिफरेंस भी बता दूंगा कि कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है। चलिए इसको हम देख ही लेते हैं कि कैश क्रेडिट, एक हो गया आपका कैश क्रेडिट, एक हो गया आपका ओवरड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में ODB बोल दिया जाता है। तो कैश क्रेडिट में क्या है, कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ ए बिजनेस लोन। ये बिजनेसमैन को दिया जाता है, पर्टिकुलरली इट प्रोवाइडेड टू बिजनेस लोन, बिजनेस पर्सनल्स। अब बिजनेस किस किस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही उसका जो प्रोप्राइटर है एक ही है, या जो पार्टनरशिप फर्म है, या कोई कंपनी है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस करता है, तो उनको ये कैश क्रेडिट का लोन दिया जाता है। बट इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस के लिए ही दिया जा रहा है, वो कोई अदर जो अदर चीज़ें हैं उनके लिए भी दिया जा सकता है। जैसे आपका कोई पर्सनल नीड है या बिजनेस रिलेटेड है, तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं ओवरड्राफ्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बिजनेस एज वेल एज एनी पर्पस,
और सारे पर्पज़ इसमें इंक्लूड हो जाते हैं ओवरड्राफ्ट में। इसके बाद कैश क्रेडिट कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे दिया जाता है, उसका मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग उसका दुकान है, दुकान में उसका कितना स्टॉक है, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है, कितना उसका इन्वेंट्री है या स्टॉक है, तो उसका वैल्यू निकाला जाता है। मान लीजिए इन सब का वैल्यू कुछ आता है, मान लीजिए 10 लाख, तो इसका कुछ परसेंट ही यहाँ पे लिमिट बनाया जाएगा, कुछ परसेंट ही इसका लिमिट बनाया जाएगा, जो कि एक लोन का सेंक्शन लिमिट होगा, कैश क्रेडिट का एक लिमिट होगा, तो उस लिमिट तक वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में किस बेसिस पे दिया जाता है कि भाई उसका लेन देन कैसा है, ट्रांजेक्शन कैसा है, उसका क्वार्टर एवरेज बैलेंस कितना है, तो ऐसे कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हैं, उनके बेसिस पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांजेक्शन सिबिल या कोई अदर उसका जो QAB बैलेंस, इस बेसिस पे दिया जाता है। और कैश क्रेडिट का जो लोन का अकाउंट होता है वो न्यू अकाउंट होता है, न्यू अकाउंट खोला जाता है, बट जो ओवरड्राफ्ट है वो एग्जिस्टिंग करेंट अकाउंट में दिया जा सकता है, करेंट अकाउंट जो होता है उस पे ही ये फैसिलिटी दी जा सकती है कि मान लीजिए आपका जितना ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, 10 लाख रुपए पैसे नहीं है, तो आपको 10 लाख की ओवरड्राफ्ट दे दी जाएगी, तो वो 10 लाख रुपए आप यूज़ कर पाओगे। आपके पास पैसा नहीं है पर आप उस पैसे को ओवरड्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। इंटरेस्ट की बात करें, ब्याज इसमें कम लगता है, सॉरी CC में इंटरेस्ट इज़ लो, बट इन केस ऑफ OD इंटरेस्ट इज़ हाई, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब मैं यहाँ पे जो NPA का कॉन्सेप्ट है वो मैं अब आने वाली स्लाइड्स में या आने वाली जो प्रेजेंटेशन है आज की वीडियो में ही ये मैं आपको बता दूंगा, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया टर्म लोन, जिसमें क्या होता है EMI होता है। दूसरी चीज़ CC लोन, जिसमें आपको मंथली ट्रांजेक्शन करना होता है या जितना इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको पे करना होता है। ये हो गया कैश क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट भी एक तरीके से ही कैश क्रेडिट की तरह ही है। एक और लोन होता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड लोन, ये थोड़ा यूनिक है। डिमांड लोन, डिमांड लोन में वो सारे लोन आ जाएंगे जिसमें आप किसी किसी के बेसिस, किसी के ऊपर आप लोन देंगे। मान लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट है, मान लीजिए आपकी कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट, NSC सर्टिफिकेट है, एक चीज़ ये हो गई, LIC पॉलिसी है, कोई आपके पास गोल्ड या ऑर्नामेंट्स है, ये तो इसकी मान लीजिए आपने वैल्यूएशन कराया, मान लीजिए LIC की आपने सरेंडर वैल्यू निकलवाई, तो उसकी मान लीजिए सरेंडर वैल्यू आ रही है 4 लाख, तो इस 4 लाख का कुछ परसेंट आप लोन दे सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो बैंक क्या करेगा, LIC को खुद पे असाइन करा लेगा, जो कस्टमर है कस्टमर अपनी LIC को बैंक के नाम पे असाइन कर देगा, तो उस बेसिस पे बैंक इस 4 लाख का मान लीजिए 70% जो है वो लोन दे देगी कस्टमर को। वैसे ही आपका फिक्स डिपॉजिट, आपका फिक्स डिपॉजिट है मान लीजिए 10 लाख का, 85% इसका आपको दे दिया जा रहा है लोन, तो बैंक क्या करेगा फिक्स डिपॉजिट को वो कर लेगा, अपने पास लेन कर लेगा, उसको होल्ड कर देगा, यानी कि कस्टमर उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो फिक्स डिपॉजिट बैंक में जमा रहेगी, तो उसके बेसिस पे 8,50,000 का लोन कस्टमर को मिल जाएगा, और इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लीजिए आपको फिक्स डिपॉजिट में 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 9%। तो ये कुछ कैलकुलेशन होती है, 1% ज़्यादा लिया जाता है लोन में इंटरेस्ट। तो ये हो गया डिमांड लोन का टाइप। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA बोला जाता है। तो यहाँ पे RBI का एक मास्टर सर्कुलर है, RBI का एक मास्टर सर्कुलर है जिसमें IRAC नॉर्म्स है। IRAC नॉर्म्स कहने का मतलब ये कि जो आपका इनकम, जो इनकम रिकग्निशन एसेट एंड योर क्लासिफिकेशन, जो एसेट का क्लासिफिकेशन है, जितने भी लोन होते हैं लोन का एसेट क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो क्या क्राइटेरिया है। टर्म लोन के लिए अलग है, CC के लिए अलग है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। और आई होप ये आपने पढ़ा भी होगा टर्म लोन के बारे में, कि जितना भी टर्म लोन होता है जिसमें आपकी EMIs देनी पड़ती हैं, मान लीजिए आपका लोन है, आपका एक एजुकेशन लोन है, चलो छोड़ो एजुकेशन नहीं, आपका नॉर्मल पर्सनल लोन है, तो पर्सनल लोन में आपकी EMI थी 4,000 रुपीज़,
और आपका 31 हर महीने 31 तारीख को आपकी ईएमआई कटती है। तो आपने क्या किया भाई, जनवरी में तो जमा हो गया, अब फरवरी में आपका जमा नहीं हुआ, तो फरवरी से आपका काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो फरवरी में आपने क्या किया, वो ईएमआई जमा नहीं करी, तो आपके 30 डेज हो गए, तो ये आ जाएगा आपका SMA 0 में। SMA 0 मीन्स 30 डेज ओवरड्यू, 30 डेज तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया। फर्दर आप अगले मंथ यानी कि मार्च में आपने 30 तारीख को पैसा जमा नहीं किया, सॉरी 31 तारीख को पैसा जमा ही नहीं किया, तो वो अकाउंट फिर आ जाएगा आपका SMA 1 में यानी कि 60 डेज। फिर नेक्स्ट मंथ तक आपने दोबारा पैसा दिया ही नहीं, तो वो आ जाएगा आपका SMA 2 में जो कि 90 डेज। अब मान लीजिए आपके पास एक चॉइस है, बैंक ने आपसे बोला कि जो ये 90वां दिन है, 90 डेज वाला जो ये लास्ट दिन है, 90 दिन, आप तीनों महीने की ईएमआई दे दो तो आपका अकाउंट बच जाएगा। अगर आप 2 महीने की भी देते हो, 1 महीने की नहीं देते, तो आपका अकाउंट एनपीए में स्लिप हो जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट है मान लो कितना, 4 × ये जो 3 मंथ है और पस जो आपका पैनल इंटरेस्ट लगेगा, मान लीजिए आपका 15,000 है, 15,000 आपको देना है, आप दे रहे हो 40,000, 14,000, तो तब भी आपका अकाउंट एनपीए में चले जाएगा। तो जो जो आपका 91 डेज होगा उससे अगले दिन ये अकाउंट आपका स्लिप हो जाएगा सब स्टैंडर्ड, जो कि एक एनपीए कैटेगरी है। अब यहाँ से ये एनपीए में आना शुरू हो जाएगा। और जो ये SMA 0, 1 और 2, इसको जो हम बात कर रहे हैं, इसको बोला जाता है प्री एनपीए या PNPA, यानी कि एनपीए से पहले की स्थिति। अब सब स्टैंडर्ड कब तक होगा, जब से ये एनपीए हुआ तब से ये काउंट होगा। जो 91 डेज है यहाँ, ये इसका होगा फर्स्ट डे, सब स्टैंडर्ड का पहला दिन। इस दिन से लेके आपका 1 साल, अगले साल पूरा 1 साल काउंट होगा, यानी कि सब स्टैंडर्ड लास्ट फॉर द 12 मंथ्स। तो 12 महीने तक कुछ नहीं किया तो वो फिर दोबारा से आपका जाएगा DB 1 में, डाउटफुल, डाउटफुल 1। ये फर्दर 12 महीने बाद आपका जाएगा DB 2 में, DB 2 आपका फिर जाएगा DB 3 में तीसरे साल, फिर DB 3 के बाद आपका चले जाएगा लॉस अकाउंट में, जिसमें पूरी 100% प्रोविजनिंग करी जाती है बैंक के द्वारा, बैंक को खुद से उसमें पैसा डालना पड़ता है, तो ये एक बहुत नुकसान वाली बात होती है। तो मैंने आपको समझा दिया कि एनपीए कब जाता है, एनपीए स्टार्ट फ्रॉम द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं किया तो सब स्टैंडर्ड आपका आ गया। तो सब स्टैंडर्ड जब गया, इससे आपका पूरा 365 डेज तक ये सब स्टैंडर्ड कहलाया जाएगा। 1 साल होने के बाद जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी है, इसके 1 साल बाद जो अकाउंट स्लिप करेगा वो DB 1 में करेगा, फिर 1 साल बाद आपका DB 2, DB 3 एंड लॉस अकाउंट। तो ये मैंने आपको इजीली समझाने का कोशिश किया। तो ये तो हमने बात कर ली टर्म लोन के बारे में। अब आता है आपका CC लोन, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट में भी सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम आप जो है वो EMI पे नहीं करते, यहाँ पे आपको मंथली का ट्रांजेक्शन करना होता है, या जितना इंटरेस्ट लग रहा है अकाउंट पे वो आपको पे करना होता है। तो कैश क्रेडिट के अकाउंट में ये एक टर्म यूज़ करी जाती है, कैश क्रेडिट और OD दोनों में, क्योंकि दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये कब होगा NPA? ये तब NPA होगा जब इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट से अगर उससे ज़्यादा उसका आउटस्टैंडिंग चला गया, यानी कि उसका बैलेंस इससे ज़्यादा चले गया फॉर मोर देन 90 डेज, तो ये NPA में आ जाएगा, यानी कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। सैंक्शन लिमिट क्या होगी? जो लोन का लिमिट रहेगा, मान लीजिए 10 लाख की लिमिट है, आपने 10 लाख तो उठा दिए, पर 10 लाख में से आपने कुछ जमा ही नहीं किया तो कैसे होगा? तो 10 लाख तो पहले से डेबिट में है, ऊपर से उसमें इंटरेस्ट लग गया तो ये चले गया मान लीजिए 12 लाख, अब तो सैंक्शन लिमिट से ऊपर है 12 लाख, अब वो 12 लाख पड़ा है आपका, 90 दिन से ज़्यादा हो गए, तो फिर ये अकाउंट NPA हो जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर आउटस्टैंडिंग इज लेस देन सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट कितनी थी भाई? 10 लाख थी, बैलेंस कितना है? 8 लाख, तब भी आपका अकाउंट NPA में जा सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि आपने 3 महीने तक कोई क्रेडिट ही नहीं किया, अकाउंट पे पैसा डाला ही नहीं, 3 महीने तक विदाउट क्रेडिट CC या OD लोन आपका NPA में कन्वर्ट हो जाता है,
इसलिए बोला जाता है कि हर महीने आप अपना लेन देन करते रहिए, जितने भी बिजनेस अकाउंट होते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं, उनका तो लेन देन चलते रहता है ना, तो उनका ये अकाउंट ऐसे रनिंग चलते रहता है। तो ये दो कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को एक स्पेसिफिक टर्म बोला जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। तो ये जो दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी आपके टर्म लोन और जो सीसी लोन है, इसमें ये एनपीए में कैसे कन्वर्ट होता है। अगर हम बात करें क्रॉप बेस्ड लोन की, क्रॉप बेस्ड लोन जो कि इंडिया में मोस्टली केसीसी जो है, केसीसी लोन ये तो पूरा का पूरा आपका क्रॉप बेस्ड है। अगर हम अलाइड वाले केसीसी को छोड़ दें, जो एग्रीकल्चर अलाइड आपको मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इन सब के लिए, उसको अलग कर लो, और जो केसीसी क्रॉप लोन है इसको आप अलग कर लो। तो जो क्रॉप लोन वाले अकाउंट हैं, इसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्रॉप का जो आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रोइंग कर रहे हैं, तो उसका हार्वेस्टिंग के बाद ही आपको उसका इनकम मिलेगा। फार्मर हार्वेस्टिंग के बाद ही लोन को चुका पाएगा, जितने भी शॉर्ट टर्म लोन हैं। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन का टर्मिनोलॉजी अलग है और टाइमिंग भी अलग अलग है। जो आप ऊपर बोल रहे थे SMA 0, SMA 1, SMA 2, यहाँ पे आपको बोला जाएगा CBR 0, CBR 1, CBR 2, ठीक है। क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी, ऊपर जो SMA था उसको बोला जाता है स्पेशल मेंशनड अकाउंट, स्पेशल मेंशनड अकाउंट। और यहां CBR को क्या बोला जाता है, क्रॉप बेस्ड इरेगुलरिटी। अब मान लीजिए कस्टमर है, मतलब फार्मर है, उसने खेती केसीसी का लोन लिया है और उसने खेती किया, खेती उसकी बर्बाद होगी, वो पैसा नहीं डाल पा रहा अकाउंट पे। तो अब मान लीजिए आपका ओवरड्यू हो गया एक दिन से लेके आपका 364, एक साल के अंदर उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, उसको करना चाहिए था। तो जो ये 364 डेज़ है, तब तक ये CBR 0 में रहेगा। फर्दर आपका 364 डेज से जो आपका 546 डेज़ है, इसमें उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, जितना इंटरेस्ट लग रहा था वो नहीं दिया, क्योंकि ये तो CC लोन है ना, KCC तो एक तरीके का कैश क्रेडिट लोन है, इस पर आप EMI नहीं दे रहे हो, आप बस जितना इंटरेस्ट लग रहा है उतना भी दे दो तो तब भी अकाउंट रनिंग रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया, फार्मर ने पैसा ही नहीं दिया भाई, तो सेकेंड ईयर भी आपका CBR 1 में रहेगा। थर्ड ईयर आपका 546 डेज से लेके आपका 729 डेज ये रहेगा CBR 2। CBR 2 के जस्ट बाद आपका अकाउंट स्लिप हो जाएगा, और सेम कैटेगरी जो आप ऊपर पढ़ रहे थे कि आपका सब स्टैंडर्ड, आपका DB 1, DB 2, DB 3 एंड लॉस, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आपको याद रखना है। अब हमने ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली, अब जो आने वाले स्लाइड्स हैं और जो आने वाले टॉपिक हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, एज वेल एज जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। कैसे ये इफेक्ट करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया था टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल भी करना है और साथ ही साथ इंडिया की जो ग्रोथ है वो भी बराबर रखनी है, बराबर में बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्राइस को स्टेबल करने के चक्कर में पूरी इकोनॉमी को गिरा दिया, कुछ ऐसे आपने उसमें पॉलिसी में चेंज किया कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ही गिर गई, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइस की स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2016 में RBI का जो एक्ट था 1934 वाला, उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो उसके अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई, जिसमें एक कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके अंदर आपके 6 मेंबर रखे गए, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके अंदर क्या था, कमेटी के मेंबर बनाए गए, एक था आपका RBI का गवर्नर, दो आपके RBI के ही थे, यानी कि 3 RBI के थे और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स, तो इनके मिला के 6 लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ये लोग क्या करते हैं, ये साल में पॉलिसी को निकालते हैं, जो आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो ये जो कुछ रेट्स हैं इनको ये निकालती है बाई मंथली बेसिस पे, दो दो मंथ के बाद। तो ऑलमोस्ट आपका 4 बार इनको मीटिंग करनी पड़ती है,
ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक एक वोट रहता है। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन होगी कि तीन लोगों ने एक वोट किया कि भाई आपका जो रेपो रेट है वो 6.5% ही रहना चाहिए इस बार भी, कोई चेंज नहीं करना है, दूसरे तीन लोगों ने बोला कि नहीं भाई चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर वोट हो गए। तो इस केस में जो आरबीआई गवर्नर है इसके पास एक एडिशनल वोट रहता है, तो वो किसी भी साइड जाके एक एडिशनल वोट देके यहाँ पे वोटिंग कर सकता है। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड कर रखिए, जो आपका करंट फिस्कल ईयर का जीडीपी है वो प्रोजेक्टेड है 7.3%, प्रोजेक्टेड है अगला 2024-25 का 7%, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, CRR, SLR क्या है, ये हम बात करेंगे यहाँ पे। इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहला टूल है रेपो रेट। रेपो रेट सरल सी भाषा में समझे कि जो बैंक है, बैंक जो लोन लेते हैं आपके आरबीआई से, आरबीआई से जो पैसा ले रहे हैं जिस रेट पे, उसको बोला जाता है रेपो रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेसिंग ऑप्शन, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। अब ये तो हमने बात कर ली रेपो रेट की, वो कैसे लेता है बैंक, क्या करेगा बैंक, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई में डिपॉजिट करेगा, और आरबीआई क्या करेगा इसको रेपो रेट पे मनी दे देगा। तो ये एक रेपो रेट है। अगला है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ रेट भी बोला जाता है इसको। तो ये क्या है, मान लीजिए आपका बैंक है, एक एसएलआर का कॉन्सेप्ट होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंकों को कुछ परसेंट ऑफ दियर कैश, उनको कैश या कोई भी लिक्विड फॉर्म में उसको कैश रखना पड़ता है, या बोले मनी को रखना पड़ता है अपने बैंक में। अगर उससे वो कम हो जाता है तो उन लोगों को कभी कभी ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई से पैसा लेना पड़ता है, तो उस केस में इनको 0.25% ज़्यादा देना पड़ता है। रेपो रेट मान लीजिए 6.5% है, तो इसको एमएसएफ होगा 6.75%, तो इससे 0.25 बेस पॉइंट से ज़्यादा एमएसएफ में लेना पड़ता है। एमएसएफ इज़ टेकन फॉर द शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है जो पैसा, उस पर यह रेट लगता है। रेपो रेट यानी कि मीडियम, और जो बैंक रेट है ये वाला, ये लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो पैसा लेते हैं उस पर जो रेट लगता है उसको बैंक रेट बोला जाता है। तो बैंक जो आरबीआई से लंबे टाइम के लिए, मान लीजिए 20 या 24 दिन के लिए अगर पैसा ले रहा है, तो उस पर जो रेट लगेगा वो बैंक रेट होता है, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी देता है बैंक को, और बैंक को से ले लेता है कैश। ऊपर क्या था रेपो में, कि बैंक वाले आरबीआई को पैसा दे रहे थे, यहाँ क्या है कि ये जो है पैसा बैंक को से ले रहा है और ये सिक्योरिटी दे रहा है, कौन, आरबीआई। दूसरा चीज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक एक्सेप्ट अनकोलेट्रलाइज्ड डिपॉजिट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे भी आरबीआई बैंकों से पैसा ले रहा है, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि वो अनकोलेटरलाइज है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने नहीं ली, ठीक है। जो आरबीआई है उसने कोई सिक्योरिटी नहीं दी बैंक को, वो सीधे क्या है नॉर्मल ओवरनाइट बेसिस पे कम टाइम के लिए जो है वो ले रहा है पैसा, तो वो जो उस पर जो रेट लगेगा उसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, या सॉरी स्टैंडिंग डिपॉजिट रेट बोला जाता है। अब जो तीन टर्म है, एक है आपका कैश रिजर्व रेशो, CRR का मतलब क्या है, CRR जो आरबीआई ने बैंकों से बोला है कि कुछ परसेंट जो है उनके कैश का वो आरबीआई में सबमिट करना पड़ेगा, वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। मान लीजिए 3% है, तो 3% ऑफ दियर कैश उनको आरबीआई में जमा करना पड़ेगा, या इसको बोला जाए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जितना भी उनके पास जो डिपॉजिट है फिक्स डिपॉजिट ये और बाकी जो सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट, तो इसका मान लीजिए 3% अभी करेंटली आपका है, मैं आपको बता देता हूँ, करेंटली आपका 4.5%, तो 4.5% ऑफ देयर NDTL उनको आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। ये तो हो गया CRR। अगला है स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। SLR का मतलब क्या है कि जो हम लोग कस्टमर हैं, हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ परसेंट जो है, जो बैंकों को कुछ परसेंट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का उनको अपने पास रखना पड़ता है, यानी कि वो खुद के पास रखना पड़ता है, आरबीआई को नहीं देना पड़ता। अभी ये करंटली है 18%, 18% ऑफ दियर जितना भी NDTL है उनको खुद के पास रखना पड़ता है, अगर उतना वो मेंटेन नहीं करते तो आरबीआई का पेनल्टी लग जाता है।
तो ये है आपका स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा आप देख लेते हैं कि करेंटली क्या क्या रेट चल रहा है। रेपो रेट का 6.5%, रिवर्स रेपो रेट का 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का आपका जो इसमें से 0.25% कम रहता है रेपो रेट से, ये है आपका 6.25%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस पर आपको 6.75% ये बैंकों को देना पड़ता है। बैंक रेट कितना है 6.75, CRR है 4.5% एंड SLR है 18%। ठीक है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये हम बात करते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है RBI के द्वारा वो है रेपो रेट। बैंक अधिकतर रेपो रेट पर ही मनी को लेती है RBI से। तो मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, अभी चल रहा है 6.5%, लोगों को मान लीजिए कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है वो 10 का भी ले सकता है आदमी, पर वो उसको 15 देने के लिए तैयार है, पैसा क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए RBI रेपो रेट को और बढ़ा देगा, मान लीजिए 7.5 कर दिया उसने। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा अंतर? रेपो रेट बढ़ाने से जो लोन का इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी लोन है आपका रिटेल सेक्टर का लोन, जो आपका एजुकेशन लोन है, जो दुकान का लोन है, गाड़ी का लोन है, हाउसिंग लोन है, वो सब रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट पे ही मिलता है। RLLR बोला जाता है इसको। इसमें रेपो रेट रहता है, कुछ मार्कअप पॉइंट रहता है और कुछ बेसिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो बैंकों द्वारा, सर हर बैंक का अलग अलग होता है। तो पहले था 6.5%, तब इंटरेस्ट लग रहा था आपका 10%, अब आपका हो गया 7.5%, यानी कि इंटरेस्ट क्या है बढ़ गया, 11% इंटरेस्ट हो गया। कोई लोन लेगा? नहीं लेगा। लोन का जो लिक्विडिटी है मार्केट में, लिक्विडिटी पैसे का जो तरलता है वो कम हो जाएगा, लोगों के पास इन हैंड कैश कम हो जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, जो महंगी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करने लग जाएंगे, वो खरीदना कम कर देंगे। तो मार्केट में जो जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, बिजनेसमैन, उनको लगेगा कि लोगों के पास पैसा नहीं है या ये चीज़ ज़्यादा महंगी है इसलिए लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो वो उसका दाम कम कर देंगे। तो ऐसे करके इन्फ्लेशन को कम किया जाता है मार्केट में बाय द यूज़ ऑफ ए टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज़ रेपो रेट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो थी और मैंने मतलब कोशिश करी कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से इसको समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का आंसर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।